हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आलू सोयाबीन ड्राई मसाला, बहुत ही बढ़िया, एकदम जूसी सोयाबीन बहुत ही इजी तरीके के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें एक कप सोया चंक्स लिए हैं, जिसे मैंने पानी में अच्छे से उबाल के नीचों के ले लिया है। पहले हम सोयाबीन को हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। तो मैंने एक टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें हम सोयाबीन डाल देते हैं। मीडियम से लो आंच पे हम इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। हल्का सा इसका रंग चेंज हो जाए, हल्का सा ये गोल्डन आने लगे, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो 5 मिनट के लिए हमें कंटिन्यू इसे चलाते रहना है और मीडियम हीट पे इसे पकने देना है। देखिए इसका रंग चेंज हो रहा है, हल्का हल्का धीरे से तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। अगर आप पानी को उबालते समय नमक डाल रहे हैं तो आपको दोबारा स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दें और इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करें और सोयाबीन को आप फिर निकाल के एक बाउल में ले लें। अब इसी तरह से एक टेबल स्पून में हमें 2 पोटैटो भी फ्राई करना है, तो उसे भी शैलो फ्राई करना है। मैंने मीडियम साइज़ के आलू काटे हैं और इसको धीमी आंच पर रख के हमें हल्का सा गोल्डन होने तक पकाना है। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे और जैसे ही हल्का सा रंग चेंज होगा तो थोड़ा सा नमक और मिर्ची इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस तरह से हमारे आलू भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आलू को भी हम निकाल के अलग से एक पैन में ले लेते हैं। अब हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। सबसे पहले हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। तो खड़े गरम मसालों में 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 3 से 4 लविंग, 1 तेज़पत्ता मैंने लिया है, 1 चम्मच इसमें जीरा डाला है और हल्का सा हमारा जीरा चटकने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन और स्लाइस की हुई जिंजर। तो मैंने 8 से 10 लहसुन ली है और छोटा टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया, उसे भी मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। 1 मिनट के लिए हम इसे सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, यानी कि बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसमें हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि हमारे प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के तक हमें इसे फ्राई करना है। तो हम इसे ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे तो हमारा जो प्याज है वो अच्छे से गोल्डन रंग का हो चुका होगा। तो प्याज तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और इनको हम अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करना है। हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जले ना, क्योंकि बिना पानी के या जल्दी से मसाला जल जाता है। तो हमने 1/4 कप पानी डाला है, हल्का सा इसको स्मूथ बना दिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 हरी मिर्चें। अब हमें टमाटर को अच्छी तरह भूनना है। जब तक हमारा टमाटर बिल्कुल भून न जाए, मसाला एकदम स्मूथ हो जाए और ऑयल छोड़ने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। तो कम से कम इसमें 5 मिनट लग जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है। देखिए बिल्कुल टमाटर गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अब 1/2 कप पानी। पानी इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो ग्रेवी है, जो मतलब मसाला है, वो अच्छे से स्मूथ हो जाए, है ना। बिल्कुल ड्राई नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जो सोयाबीन है वो अच्छे से कोट नहीं होगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस डालने से हमारा जो मसाला है बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही बेहतरीन कलर आएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे आलू और सोया चंक्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। अच्छे से इसे मिक्स करें ताकि जो मसाला है वो पूरी तरह से सोयाबीन और आलू को कवर कर ले। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। दोस्तों हमने ऑलरेडी नमक स्प्रिंकल किया था तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से नमक डालिएगा। अच्छे से आपने मिक्स करना है इसे। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ करी लीव्स
और इसे अब हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए इस मसाले को अच्छे से पकने देना है, भूनने देना है। अब इसे बराबर बीच में आप ढक्कन को हटा के चलाते रहें। तो बस दोस्तों, हमारा जो आलू सोयाबीन मसाला है बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो मसाला है पूरी तरह से कोटेड है, एकदम जूसी बना है, बहुत ही टेस्टी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये रोटी हो या चावल आप जिसमें चाहें उसमें से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। ये आप साइड डिश के तौर पे कभी भी अच्छे फंक्शन के दिन या कोई गेस्ट आ रहे हैं अचानक, तो आप इसे बहुत ही टेम्पटिंग तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखें।